हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शारदा और मेरे यूट्यूब चैनल संसार में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज से जो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ाने वाली हूँ। तो आज से हम जो है छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में मेरा पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। देखिए, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में हम ये देखेंगे कि कड़प्पा सह समूह क्या होता है, आपका धारवाल सह समूह क्या होता है ना, आर्कियन समूह, ये सारी चीजें कैसी होती है और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों तक इनका विस्तार हुआ है, ये सारी चीजें हम जो है अभी देखने वाले हैं। तो आप जो है चलिए देखते हैं पहले कि क्या है, मतलब आज छत्तीसगढ़ के भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने सभी को डिवाइड कर दिया कि गोंडवाना कौन सा होगा, कड़प्पा कौन सा होगा, धारवाड़ कौन सा होगा और आर्कियन समूह कौन सा होगा। ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखिए, सबसे पहले आता है आपका कड़प्पा सह समूह। अगर कड़प्पा सह समूह की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये जो कड़प्पा सह समूह है इसका विस्तार जो है ये पूरा, ये मैदानी एरिया जो हम देख रहे हैं ना, ये मैदानी एरिया, ये पूरा मैदानी एरिया में फैला हुआ है। एक बार फिर से देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा मैदानी एरिया जो है, ये पूरा कड़प्पा सह समूह है, ये पूरा कड़प्पा सह समूह है आपका मैदानी एरिया में, सॉरी मैदानी एरिया में जो है कड़प्पा सह समूह है। इसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो 25-30% भूभाग पर कड़प्पा सह समूह पाया जाता है, 25-30% भागों पर कड़प्पा सह समूह पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके निर्माण की, सॉरी इसके निर्माण की बात करूं तो जो है कड़प्पा सह समूह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। कड़प्पा सह समूह का निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ। और अगर देखें तो ये जो कड़प्पा सह समूह है आपका, है ना, कड़प्पा सह समूह है, उसकी आकृति कैसी है? उसकी आकृति पंखाकार है। पंखाकार कैसे? आप देख सकते हो ये इस तरह से ऐसे झुका हुआ है, फिर ऐसे। तो मगर अगर हम लकड़ी के एक पंखा जो आता है, जो शादियों में काफी प्रचलित रहता है, उस टाइप का अगर पंखा देखे तो उसको इस तरह से ऐसे ऐसे आप पंखे के रूप में देख सकते हैं। तो उसी रूप में अगर देखे तो कैसी इसकी आकृति है? पंखाकार आकृति। इसलिए इसकी आकृति कैसी दिख रही है? पंखाकार आकृति, ठीक है। इसमें जो है कड़प्पा सह समूह में भी जो है दो क्षेत्र है, दो वर्ग है। कौन कौन से वर्ग? एक रायपुर श्रेणी और दूसरा चंद्रपुर श्रेणी। ओके, दो वर्ग कौन कौन से इसमें शामिल है? एक रायपुर श्रेणी और दूसरा चंद्रपुर श्रेणी शामिल है इसमें, है ना। इसमें किस टाइप के खनिज मिलेंगे? इसमें जो है चूना पत्थर और डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलेगा। इसकी जो मिट्टी है, इसमें मिट्टी जो है कछारी मिट्टी होती है। ये कछारी मिट्टी होने के कारण क्या होता है? धान की खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। कैसी मिट्टी है यहाँ पे? कछारी मिट्टी है। कछारी मिट्टी होने के कारण ही जो है ये काफी उपयोगी होता है। तो क्लियर हुआ आपका ये कड़प्पा सह समूह? कड़प्पा सह समूह की आकृति आप देख सकते हो और इसका विस्तार भी देख सकते हैं। 25-30% भूभाग पर पाया जा रहा है, आकृति पंखाकार है, निर्माण जो है इसका ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है, दो श्रेणी रायपुर और चंद्रपुर श्रेणी है, खनिज चूना पत्थर और डोलोमाइट, मिट्टी कछारी है जिसमें धान के लिए उपयुक्त होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आर्कियन सह समूह। आर्कियन सह समूह जो है आपका 50% भूभाग पर पाया जा रहा है। आर्कियन सह समूह 50% भूभाग पर। अब 50% कैसे? थोड़ा सा नजर अच्छे से देखिएगा, मतलब बारीकी से देखिएगा। देखिए, ये जो है ये तो आपका पूरा धारवाड़ हो गया, है ना, ये धारवाड़ हो गया। अब इससे जो है ये पूरा आप एरिया ले सकते हो इस तरह से, ये पूरा इधर इधर ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा बारीकी से काफी ये छूटा हुआ एरिया है। इस तरह से जो है ये पूरा छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं कवर कर रहा है, ठीक है, 50% कवर कर रहा है आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है पूरा 50% एरिया पे है। इसका जो निर्माण है लावा के ठंडा होने से निर्मित जीवाश्म रहित चट्टानों से बना है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? लावा के ठंडा होने से निर्मित जीवाश्म रहित चट्टानों से बना है, ठीक है। ये आर्कियन समूह है। इसमें किस टाइप के खनिज पाए जाएंगे? इसमें ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज पाए जाएंगे। इसकी मिट्टी कैसी होगी? इसकी मिट्टी जो है हल्की रेतीली टाइप की होती है। इसकी मिट्टी कैसी है? हल्की रेतीली टाइप की है। और हल्की रेतीली मिट्टी और इसका जो विस्तार है उसको देखते हुए ये चीज समझ आता है कि ये यहाँ किस टाइप के अनाज उपयुक्त होंगे? मोटे अनाज, मोटे अनाज इसके लिए क्या है? उपयुक्त होंगे। क्लियर।
ये क्या था आपका आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह का निर्माण कब कैसे होता है, लावा के ठंडा होने से निर्मित जीवाश्म चट्टानों से होता है, खनिज ग्रेनाइट फेल्सपाथ क्वार्ट्ज और मिट्टी रेतीली होगी इसकी और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होगा और पूरे 50% भागों पर भूभाग पर ये विस्तार है इसका। क्लियर, तो ये दो हमने सेल समूह देखा, कड़प्पा और आपका आर्कियन सेल समूह। वहीं आता है नेक्स्ट धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह आपका कैसा है, धारवाड़ सेल समूह के बारे में अगर देखें, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह का जो अगर निर्माण देखें तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कहां से कहां तक फैला हुआ है आपका धारवाड़ सेल समूह। ये पूरा यहाँ पर दंतेवाड़ा आपने देखा होगा, बैलाडीला पहाड़ी वगैरह, तो कहीं ना कहीं उन चीजों के अवशेष हैं, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लॉ एस्क पाए जाते हैं। आपको बता दो धारवाड़ सेल समूह में स्पेशली क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है और कड़प्पा में स्पेशली अगर बात की जाए तो चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, है ना। इसलिए कड़प्पा इन एरिया में देखना आपके सीमेंट फैक्ट्री ज्यादा है, सीमेंट फैक्ट्री, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री में चूने की आवश्यकता बहुत होती है, तो इन एरिया में जो है आपका क्या है चूने की फैक्ट्री सबसे ज्यादा मिलेंगे और इन सब एरिया में जो है हमारे क्या मिलेंगे लौह अयस्क जो है खदान है वो सब ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि धारवाड़ जो सेल समूह है उसमें क्या है आपका लौह अयस्क ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका विस्तार कैसा है, ये पूरा यहाँ से फैला हुआ है, ये पूरा फैले हुए इधर, पूरा इधर फैले हुए है, कहीं ना कहीं इधर पूरे इधर फैले हुए है, ठीक है, ये धारवाड़ सेल और उसका कुछ इधर भी अंश है, इधर धारवाड़ सेल समूह इधर भी फैला हुआ है। क्लियर, तो ये लोकेशन समझ आ रहा है कि ये इस तरह से फैला हुआ है पूरा और इधर भी फैला हुआ है, ठीक है। ये क्या था आपका धारवाड़ सेल समूह। देखिए ये जो है जली अवसादी चट्टाने हैं, एक प्रकार की किस टाइप की चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हैं जली अवसादी चट्टाने हैं। क्लियर, ये जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से क्या निर्मित हुआ आपका धारवाड़ सेल समूह। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से जो है आपका धारवाड़ सेल समूह जो है निर्मित हुआ है। और इसमें किस टाइप की चट्टाने हैं, इसकी जो चट्टाने में है, इसकी चट्टाने किस टाइप की है, स्लेट क्वार्ट्ज कॉन्ग्लोमरेट माइकासिस्ट नीस, इस टाइप की चट्टाने इसमें पाई जा रही है। कौन कौन सी, स्लेट क्वार्ट्ज कॉन्ग्लोमरेट माइकासिस्ट एंड नीस, ये इस तरह की चीजें पाई जा रही है। क्लियर, देखिए इसमें और प्राप्ति मुख्यतः कौन से खनिज की प्राप्ति होगी, लौह अयस्क, लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। वहीं आपका जो है इसमें तीन सीरीज पाए जाएंगे सॉरी इसमें तीन सीरीज पाए जाएंगे। हाँ, और एक बात बता दूं, ये जो है एरिया कृषि के लिए अनुपयुक्त तो होते, एक प्रकार से कृषि के लिए जो है मतलब नहीं के बराबर उपयोगी होते हैं, है ना। तो देखिए इसमें तीन सीरीज कौन कौन से हैं, चिल्फी घाटी और सोना खान सीरीज और दुर्ग बस्तर क्षेत्र सीरीज। तो देखिए चिल्फी घाटी वाला एरिया तो ये हो गया, चिल्फी घाटी वाला एरिया ये हो गया चिल्फी घाटी सीरीज, है ना। चिल्फी घाटी सीरीज में यानी कि आपका बिलासपुर संभाग आ गया और आपका सोना खान सीरीज की बात की जाए तो सोना खान सीरीज में ये वाला आ गया, ये रायपुर संभाग में आ गया सोना खान सीरीज। तीसरा मैंने बोला कौन सा आपका लौह सीरीज, दुर्ग बस्तर क्षेत्र, तो दुर्ग बस्तर क्षेत्र ये वाला और इधर का थोड़ा सा जो कवर कर रहा है वो वाला बस्तर क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो है आपका क्या है लौह सीरीज में शामिल है। तो धारवाड़ क्लियर हुआ, धारवाड़ सेल समूह मतलब निर्मित कैसे हुआ, जली अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है, इसमें जो है आर्कियन चट्टानों के अपरदन से निर्मित है, चट्टाने किस टाइप की पाई जाएगी इसमें आपका स्लेट क्वार्ट्ज माइकासिस्ट कॉन्ग्लोमरेट नीस, इस टाइप की चीजें पाई जाएंगी चट्टाने, यानी कि लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और क्या है कृषि के लिए अनुपयुक्त तो होते हैं। तीन सीरीज मैंने बताया, चिल्फी घाटी सीरीज, सोना खान सीरीज, दुर्ग बस्तर क्षेत्र, तीन सीरीज है। क्लियर, नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ये है, ये आपका जो तीन जो एरिया मैं दिखा रही हूँ और कुछ कुछ और भी थोड़े थोड़े फैले हुए, लेकिन मैं मुख्यतः जो विस्तार है उनको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो तीन एरिया है, ये तीन एरिया आपका क्या है, दक्कन ट्रैप या डेक्कन ट्रैप दोनों बोला जाता है, दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसमें जो है इस दक्कन ट्रैप में क्या होता है, बॉक्साइट के भंडार हैं और ये कौन इस यहाँ पर कौन से टाइप के प्रदेश पाए जाते हैं, पाट प्रदेश पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है हम देखते हैं बॉक्साइट के यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं, मुख्यतः बॉक्साइट ही इसमें पाए जाते हैं। क्लियर, देखिए इसका जो निर्माण है बेसाल चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, मतलब ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल चट्टानों के अपरदन से, बेसाल चट्टानों के अपरदन से जो है इसका निर्माण हुआ है। और इसमें जो है एक प्रकार किस किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है जो रबी फसल के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, काली मिट्टी पाई जाती है जो कि रबी फसल के लिए उपयोगी होती है।
इसका जो विस्तार है या बोल सकते हो मैकल श्रेणी के पूर्वी पूर्वी भाग तक पाया जाता है, मतलब यहाँ पर भी है और इधर भी मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग तक, इधर भी आपका कुछ कुछ जगह पे जो है दक्कन ट्रैप मिलेगा। इसलिए याद करो कि हम जो पढ़ते हैं ना जिल्फी घाटी के पास भी जो है आपका क्या है कि बॉक्साइट के भंडार मिले हुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बट उसमें बात चली हुई है कि यहाँ पे बॉक्साइट के भंडार है अपने यहाँ करके। तो यही बात मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि इसका विस्तार जो है यहाँ पर तो है, साथ ही यहाँ पे मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, ये मैकलपुरा श्रेणी है, इसके पूर्वी भाग पर जो है इसका विस्तार है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, अगर बोल सकते हैं इसका विस्तार जो है कोरबा, कोरबा आपका यहाँ आ जाएगा, कोरबा यहाँ पर आ जाएगा, कोरबा और यहाँ पे आपका क्या आएगा कवर्धा, है ना, कवर्धा सरगुजा और जशपुर, ये इन एरिया में जो है कवर्धा कोरबा सरगुजा जशपुर इन एरिया में जो है इसका विस्तार है, किसका, दक्कन ट्रैप का। क्लियर? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि दक्कन ट्रैप भी समझ आ गए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट है अपना गोंडवाना। गोंडवाना, गोंडवाना जो सेल समूह है उस इसका जो मतलब अगर क्षेत्र देखा जाए तो 17%। आप सोचेंगे मैंने गोंडवाना यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, दो जगह, तो इसका ये कौन कारण है, क्योंकि गोंडवाना जो सेल समूह है दो भागों में बटा हुआ है। दो भाग कौन कौन से, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना, दो भागों में बटा हुआ है। इसका विस्तार अगर टोटल कहा जाए गोंडवाना सेल समूह का तो वो 17% है। टोटल विस्तार कितना है, 17% है। ठीक है, तो देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ है गोंडवाना सेल समूह का, नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पति व एवं जीवों के अवशेषों से निर्मित है। ये कैसे इसका निर्माण हुआ है, नदियों के अवसादों के जो रूप में युगों से जमे वनस्पति एवं जीवों के अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो मतलब अगर बोल सकते हैं ये कहाँ फैली हुई है, महानदी, महानदी घाटी के साथ साथ दक्षिण पूर्व में फैली हुई है। ये महानदी घाटी जो है उसके साथ साथ दक्षिण पूर्व में फैली हुई है की बात करें, ये जो गोंडवाना सेल समूह ना महानदी घाटी जो है उसके जो है दक्षिण पूर्व में फैली हुई है, क्या आपका गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, इसमें मुख्यतः किस टाइप की चीजें पाई जाएंगी, आप इसमें जो है मुख्यतः कोयला पाया जाएगा। गोंडवाना सेल समूह में मुख्यतः क्या पाया जाएगा, कोयला, क्या पाया जाएगा आपका, कोयला। और मैंने बताया था ये जो है, हाँ आपने पढ़ा होगा मांड नदी घाटी, मांड नदी यहाँ इस तरह से ऐसे सरगुजा से बहते हुए इधर रायगढ़ वाले एरिया से, रायगढ़ बॉर्डर जिले से बहते हुए इधर आके महानदी में मिलती है, है ना। तो वहां पर जो मांड नदी घाटी वो भी पूरा आपका कोयला क्षेत्र ही है। ठीक है, अब देखिए गोंडवाना में जो है आपका ऊपरी सहसा, ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना में कौन कौन से जगह शामिल है आपका, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़ और प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर। देखो आपका जो जगह क्या बोलते हैं जनकपुर है, यही कहीं आएगा, है ना, आप मैप जाके अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका जनकपुर हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़ थोड़ा नीचे यहाँ पर हो जाएगा, है ना, प्रतापपुर आपका सूरजपुर में चला जाएगा, बैकुंठपुर जो है यहाँ आपका बोरिया में हो जाएगा और सूरजपुर तो अपना जिला वहां हो जाएगा। ठीक है, इन जगहों पे ऊपरी गोंडवाना है, देख सकते हो कि ये ऊपरी एरिया है इसलिए इसको ऊपरी गोंडवाना भी कह सकते हैं, है ना। निचली गोंडवाना, निचली गोंडवाना में क्या होगा, मनेन्द्रगढ़ का, मनेन्द्रगढ़ यहाँ है तो मनेन्द्रगढ़ दो भागों में बांट दिया कि ऊपरी और निचली, मनेन्द्रगढ़ का ऊपरी भाग जो है ऊपरी भाग ऊपरी गोंडवाना और निचली भाग जो है निचला गोंडवाना में शामिल हो गया। तो इसमें कौन सा है, निचली वाले में मनेन्द्रगढ़ का दक्षिणी भाग, सरगुजा जिला यहाँ पे सरगुजा जिला का दक्षिणी भाग, है ना, कोरबा, खरसिया आपका रायगढ़, धर्मजयगढ़ रायगढ़ और रायगढ़, मांड नदी घाटी, ये सभी किस में आ रहे हैं आपके, निचली गोंडवाना में आ रहे हैं। तो ये पूरा आपका था गोंडवाना सेल समूह। क्लियर? उम्मीद कर रही हूँ कि सभी सेल समूह आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर बात की जाए मोटी मोटी तो क्या होगा, कड़प्पा में किस तरह की आपकी चीजें मिल रही है, कड़प्पा में अगर किस खनिज की बात की जाए मुख्यतः तो चूना पत्थर, यहाँ पर जो है मुख्यतः चूना पत्थर है ना। धारवाड़ में बात की जाए तो क्या है, लौह अयस्क, लौह अयस्क मुख्यतः मिल रहा है ना। गोंडवाना में कोयला, गोंडवाना में कोयला और आपका दक्कन ट्रैप में क्या मिल रहा है, बॉक्साइट, दक्कन ट्रैप में क्या मिल रहा है, बॉक्साइट, बॉक्साइट मिल रहा है किसमें, आपके गोंडवाना में। वहीं आपका ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेनाइट नहीं, आर्कियन, आर्कियन में तो फिर आपका किस टाइप के चीजें मिल रही है यहाँ पे, खनिज, ग्रेनाइट है, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज़ाइट है, इस टाइप की चीजें मिल रही है किसमें, आर्कियन में। तो ये था आपका भूगर्भिक संरचना। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई। तो स्टूडेंट अगर ये आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।